हाय फ्रेंड्स, YouTube ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में तीन बड़े अपडेट किया है। आजकल YouTube पर क्रिएटर की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इन क्रिएटर में बहुत से ऐसे भी वीडियो अपलोड करने लगते हैं जो कि YouTube की नीतियों का उल्लंघन होता है, जिसे YouTube ने इसके लिए कुछ दंडित करता है। इसी नीतियों में अपना तीन बदलाव किया है। इस बदलाव को 25 फरवरी 2019 से लागू करेगा। इससे पहले सभी क्रिएटर को सूचित कर दिया गया है ताकि इस नीति को सही से समझ ले और सही से पालन करे। तो आइए जानते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। क्रिएटर जब भी YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा तो उसे 25 फरवरी 2019 के बाद जब पहली बार गलती करेगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन यह मौका फिर से नहीं दिया जाएगा। यानी इसे 90 दिनों के बाद फिर से रिसेट नहीं किया जाएगा। बस जीवन में एक ही बार यह मौका मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि पहला स्ट्राइक पर वीडियो डिलीट और 90 दिनों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाता था। दूसरा स्ट्राइक पर 2 सप्ताह के लिए वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया जाता था। तीसरे स्ट्राइक पर आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, आइए जानते हैं। पहली स्ट्राइक पर तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन वह 90 दिनों के बाद फिर से रीसेट नहीं होगा या एक ही बार लाइफ में होगा, और इसके लिए कोई दंडित नहीं किया जाएगा। आपका पहला स्ट्राइक आएगा वो माफ़ हो जाएगा, तो उसके बाद 3 स्ट्राइक दिया जाएगा आपको, अगर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहले तो माफ़ हो गया, वो तो माफ़नुमा के तौर पर आपको दिया गया, लेकिन जब दूसरा आएगा तो वो पहला माना जाएगा। पहला स्ट्राइक, दूसरा स्ट्राइक और तीसरा। अगर आपके चैनल ऊपर 3 स्ट्राइक आता है पहला स्ट्राइक माफ़ होने के बाद, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहला स्ट्राइक आएगा तो क्या होगा। तो माफ़ होने के बाद से आपके चैनल के ऊपर जब पहला स्ट्राइक आएगा तो आपको पहला स्ट्राइक पर 1 सप्ताह के लिए वीडियो अपलोडिंग और लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाएगा, जिसमें चैनल की अन्य गतिविधियां भी हो सकती है या 90 दिनों के बाद रीसेट हो जाएगी। लेकिन जब दूसरा स्ट्राइक आएगा तो पहले स्ट्राइक मिलने से 90 दिन के अंदर दूसरी स्ट्राइक मिलने पर 2 सप्ताह के लिए वीडियो अपलोडिंग और लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया जाएगा। अगर ये दूसरा आप स्ट्राइक होने के बाद अगर आपके चैनल के ऊपर तीसरा स्ट्राइक आता है, अगर 90 दिनों के अंदर आपको तीसरा स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि केवल वीडियो पर ही स्ट्राइक आता था, लेकिन अब क्या हो गया है, आपके थंबनेल, अगर आप गलत थंबनेल बनाते हैं तो भी स्ट्राइक आएगा। अगर आप अपना स्टोरी डालते हैं, अगर उस पर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो आपके उस पर भी स्टोरी पे या इमेज पे भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा। या आप अगर गलत लिंक डालते हैं जो स्पैमिंग को सपोर्ट करता है, ऐसे में आपके ऊपर भी ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा। इन सभी गलतियों के कारण आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला बटन को भी दबा दीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।